अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस पाटा। चंद दिन पहले मेरे से क्वेश्चन किया गया कि भाई बताएं कि पाकिस्तानियों के लिए कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी अगर बैंकिंग चैनल से क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डिपॉजिट विड्रॉवल लेंगे तो उनको परेशानी है, तो इसी वजह से वो ऐसे एक्सचेंजेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर उनके फंड्स की सिक्योरिटी भी हो, जहाँ पी टू पी पे वो एक दूसरे के साथ लेन देन भी कर सकें, और जहाँ ट्रेडिंग में भी उनको कोई मसला ना हो, ट्रेडिंग फीस भी बड़ी सस्ती हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ओके एक्सचेंज और ओके ईएक्स एक्सचेंज और बाइनांस एक्सचेंज का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन से एक्सचेंज सबसे ज़्यादा आपको सूट करेगा। सबसे पहले अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बाइनांस की हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताता चलूँ, दो तीन साल पहले, शायद 2017 की बात है, बाइनांस की एक्सचेंज हैक हो गई थी। गो के उसमें रिकवरी हो गई थी लेकिन एक्सचेंज हैक हो गई थी। ओके एक्सचेंज मेरा ख्याल है सन 2013 से या 14 से मार्केट में काम कर रही है, आज तक इनकी एक्सचेंज जो है वो हैक नहीं हुई है। अगर सर्वर्स की ट्रेडिंग की बात की जाए तो आपको रिसेंटली, ये चंद दिन पहले की बात है, बाइनांस को यूके में बहुत बड़ी पलंटी पड़ी है, वहाँ की कोर्ट ने दी है कि जब भी मार्केट वोलेटिलिटी में आती है तो बाइनांस के सर्वर बैठ जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है एज अ ट्रेडर आपको? अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट एकदम स्पाइक करके ऊपर गई है तो आप चाहते हैं कि यार आपने नीचे से बाय किया हुआ है, ऊपर गया, वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कैश आउट करें, लेकिन बाइनांस के सर्वर बैठ जाते हैं, आपके ऑर्डर हिट नहीं होते सेल के, आप तो गए नुकसान में हो गए। इसी तरह अगर आपने मार्केट डिप करती है तो आपने नीचे बाय लिमिट लगाई हुई थी, वो मार्केट आपके बाय लिमिट से बहुत नीचे जाती है लेकिन आपका ऑर्डर हिट नहीं होता। ये सारी की सारी मैनिपुलेशन होती है या इनके सर्वर्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से आपके ऑर्डर हिट नहीं होते, और बाइनांस में ये होता है। अगर आप बाइनांस के यूज़र हैं तो आपको लाजमी पता होगा। ओके एक्सचेंज में ऐसा कोई सीन नहीं अभी तक जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जितनी मर्जी मार्केट की वोलेटिलिटी मैंने देखी है, मुझे ओके एक्सचेंज में अभी तक कोई इशू नहीं है। अगर आप में से किसी को इशू है तो आपने इस वीडियो के नीचे फीडबैक लाजमी देना है। अब अगर बाइनांस के पी टू पी फीचर को आप देखें तो पी टू पी उनके इतने सर्वर माठे सर्वर हैं, इतने ढीले और मैं कहूँगा ओवरलोडेड सर्वर होते हैं कि आप पी टू पी पे दूसरे बंदे को मैसेज कर रहे होते हैं, हेलो भाई, वो चीख रहा होता है, भाई आर यू देयर, आप लिखते हैं जी मैं अवेलेबल हूँ, आप पेमेंट सेंड करें, और अगले बंदे को मैसेज डिलीवर नहीं होता। ओके एक्सचेंज में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बाइनांस के सर्वर जो हैं वो वाकईतन इशू है, मैं इसका क्रेडिट सारा दूंगा ओके एक्सचेंज के अगर साथ कंपेयर करूँगा। नो डाउट बाइनांस जो है वो नंबर वन जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसमें शामिल होता है, लेकिन फीचर वाइज देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया सेम वही चीज़ है। अब फीस की तरफ आते हैं। बाइनांस जो है कहा जाता था कि वन ऑफ द बेस्ट लोएस्ट प्राइसेस वाला एक्सचेंज था, लेकिन अब नहीं है। रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि अब बाइनांस ने पी टू पी के ऊपर भी फीस लगा दी है। भाई आपके यूज़र वहाँ पे ट्रेडिंग करके अर्निंग करते हैं, अब टाइम है कि अपनी वो क्रिप्टो को पी के आर में कन्वर्ट करें या किसी और करेंसी में कन्वर्ट करें, और आपने उनके ऊपर लिमिट लगा दिया कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर प्लेस करेंगे तो उस पर फीस चार्ज करते हैं। बाइनांस फीस बहुत नॉमिनल सी ले रहा है, लेकिन अभी स्टार्ट है, कोई पता नहीं वो इंक्रीज कर दें। लेकिन ओके एक्सचेंज को अगर आप इस हवाले से कंपेयर करेंगे, आप पी टू पी पर क्रिप्टो बेशक बाय करें सेल करें, आप ओके ईएक्स आपसे कोई फीस नहीं चार्ज करता पी टू पी पर। बाकी स्पॉट ट्रेडिंग उधर तो उतनी फीस है तकरीबन जितनी बाइनांस पे है, तो आप क्यों बाइनांस के उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें? अच्छा, ये थे वो छोटे मोटे फीचर्स जो मेरे जहन में आ रहे थे, मैंने कहा आपको बताता चलूँ। डिसीजन आपने खुद करना है, बल्कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कभी भी अपना पोर्टफोलियो किसी एक्सचेंज पे, मैं ये नहीं कहूंगा सारा पोर्टफोलियो उठा के ओके ईएक्स में डाल दें, आप पोर्टफोलियो को डिवाइड करें, कुछ ऐसे एक्सचेंजेस रखें जिस पे आपको ज़्यादा फेवर मिलती है, जहां आपको ट्रेडिंग करने में आसानी है, जहां आपकी ट्रेडें हिट होती हैं, उसको ज़्यादा यूज़ करें। बाकी एक्सचेंज को बैकअप के तौर पर रखें, हैजिंग के तौर पर रखें। फॉर एग्जाम्पल ओके ईएक्स पे आपने एक ऑर्डर लगाया, मार्केट आपकी फेवर के अगेंस्ट चले गई, तो आप हैजिंग के लिए बाइनांस पे ऑर्डर उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं अपनी पोजीशन के। तो हैजिंग के लिए भी और रिस्क डिवाइड करने के लिए भी कि अपने पोर्टफोलियो पे किसी एक जगह पे आप ना रखें, अपना पोर्टफोलियो भी डिवाइड करें, तो उस वजह से ये दोनों एक्सचेंजेस को या एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस को आप आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बता दूँ। एक तो ओके ईएक्स के यूज़र्स को इशू आ रहा था, उनके एंड्रॉयड यूज़र्स को। अगर आप ओके ईएक्स के डेस्कटॉप वर्जन पे जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर उनके आईफोन के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं है। जो एंड्रॉयड यूज़र थे उनको ऑपरेट करने में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उनके एंड्रॉयड वर्जन में थोड़े से बग्स थे, उनकी जो डेवलपिंग टीम है उन्होंने एरर को दूर करके अपनी वेबसाइट पर उन्होंने अपडेट कर दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर अभी तक अपडेट नहीं है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल से एंड्रॉयड जो मोबाइल है आपके पास उसमें से ओके ईएक्स को अनइंस्टॉल करें।
अनइंस्टॉल करने के बाद अगर इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो ये ऊपर एड्रेस मैंने लिखा हुआ है okex.com/download। अगर आपको ये एड्रेस नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपने अपने मोबाइल के ऊपर ये लिंक खोलना है और उसके बाद ये नीचे आपको ब्लू बटन नजर आ रहा है डाउनलोड ऐप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आपने डाउनलोड्स पे आना है, तो मैंने चूंकि ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ था, आपने उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपको दो एरर आ सकते हैं। एक तो भाई ये एप्लीकेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर आपको ऐसा एरर आता है तो आपने लिखना है इंस्टॉल एनीवे के ऊपर क्लिक करना है, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा। एक दूसरा एरर आ सकता है कि अननोन एप्लीकेशन की परमिशन जो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नॉर्मली वो ऑफ होती है, आपने एंड्रॉयड की सेटिंग में जाके अननोन एप्लीकेशन की जो परमिशन है वो भी अलाउ करनी है और उसके बाद इंस्टॉल करके आप लॉगिन करें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को रिकमेंड करूंगा OKEX की अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी है, उसको आप ज्वाइन करें। उस टेलीग्राम का ग्रुप भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहते हैं कि अगर मैं OKEX के प्लेटफॉर्म को मज़ीद इसको इनके फीचर्स को आपके साथ शेयर करूं तो वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताएं कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको आप समझना चाहते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।